Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे गर्लफ्रेंड का कोई कम नहीं है क्या बैक टू माई चैनल मैं हूँ स्वाति आप देख रहे हो स्वाति राजाइल सबसे पहले आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे थोड़ा सा ठंड लग रहा था तो इस वजह से मैंने जैकेट पहन लिया है फटक से और ना पूरा दिन को ना पूरा अच्छा गर्मी था है ना गर्मी था राजीव बैठा हुआ है साइड में वो देख रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और वो हंस रहा है क्योंकि आज जो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ ना ये थोड़ा फनी लग रहा है उसको क्योंकि जो होता है ना यूट्यूबर्स होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा जो होता है मेकअप का सामान होता है तो वो मुझे कह रहा था कि इतना ज्यादा मेकअप का सामान होता है और तुम इतना छोटा सा शेयर कर रही हो इतना थोड़ा सा शेयर कर रही हो तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं अभी तक बड़ा यूट्यूबर नहीं बनी हूं छोटा सा यूट्यूबर हूं और जो है वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ तो आशा करती हूँ क्योंकि ना बहुत ज्यादा पहले वीडियोस में ना मुझे कहा गया था कि आप मेकअप बॉक्स अपना शेयर करो तो मैंने शेयर नहीं किया था इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं लिपस्टिक आई और काजल का लावा मेरे पास कुछ था ही नहीं तो अभी ना मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स बना रही हूँ तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ परचेज करके रखा हुआ है तो फिलहाल मेरे पास क्या क्या है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ना ये बॉक्स ये आ, मैंने एज अ मेकअप बॉक्स मैंने परचेज किया है तो इसके अंदर जितना भी मेरा जो मेकअप का आइटम्स है सब कुछ इसके अंदर ही मैंने रखा हुआ है क्योंकि ना मुझे जो एट द मोमेंट जब मैं कुछ कर रही हूँ शूट कर रही हूँ या फिर कुछ वीडियो कर रही हूँ तब मुझे सामान ढूंढ के नहीं मिलता है तो इस वजह से मैंने ये लिया है और ये ना मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा था क्योंकि ये जो है मैंने बाइक से जो सामान बिक्री करने आते हैं ना डोर टू तो डोर जो आते हैं ना उनसे मैंने लिया था इसका कॉस्ट से फिफ्टी रुपीज है ज्यादा नहीं है फिफ्टी रुपीज में ही ये मिल जाता है अगर आपको ऐसा वाला सामान क्यूट लगता है तो आप ले सकते हो एक्चुअली इसको ब्यूटी बॉक्स ही कहा जाता है पहले ना ये मुझे क्यों पसंद आया ना इसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो हमारा जो कपड़ा था ना तो मम्मी ऐसे वाले जो बड़ा वाला जो होता है ना उसमें रखा करता था तो मुझे वो याद आया था तो अभी तो फिलहाल गोडरेज वगैरह सब कुछ है तो लोग ऐसे में कपड़ा नहीं रखते तो जब मैंने ये देखा ना मुझे याद आया और फिर मैंने देखा है एज ए ब्यूटी बॉक्स अभी ये बेचते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ले लूँ क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे पास ब्यूटी बॉक्स और कुछ भी नहीं है यही है मेरे पास और वैसे और शादी का जो कुछ मेकअप वगैरह का जो सामान है वो बैग है वो बॉक्स नहीं है वो बैग है वो मैं और दिन आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने वीडियोस के लिए जो मैंने आ, जो मेकअप वगैरह जो आइटम्स खरीद के आए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ वो मैं अलग से दिखाऊंगी आपके साथ तो सबसे पहले ये बॉक्स आपने देख लिया है इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या क्या सामान है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो बॉक्स में ना सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही खोलती हूँ ना तो इसमें ना सबसे पहले आपको ब्रशेस नज़र आएगा ये ब्रशेस मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था इसमें से ना मैंने शायद तीन चार ही ब्रशेस मैंने यूज़ किया है सब कुछ सारा ब्रशेस मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो है ब्यूटी ब्लैंड के लिए मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मैं एक दो ही यूज़ करती हूँ और इतना ज़्यादा मेकअप का अभी तक मैंने वीडियोस नहीं बनाया है और वैसे मैं अपने जो डेली लाइफ में या फिर मैं कहीं पर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ सिंपल सा मेकअप करती हूँ तो इतना ज़्यादा ब्रश का मुझे ज़रूरत नहीं होता है इसके अंदर में मैंने ये रखा हुआ था जो ब्राउज सेटिंग करते हैं तो ये वाला एक था तो ये भी मैंने ना फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया था और बट पर ना ये काफ़ी अच्छा जो है शेड देता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये मैंने एक परचेस करके रखा हुआ है तो ये दो सामान जो आप देख रहे हो ये दो चीज मैंने परचेस करके रखा हुआ था ये तो आ, रेगुलर यूज के लिए मुझे चाहिए होता है हमेशा तो ये भी मैंने आ, इसी बॉक्स में रख दिया था ये तो मुझे साल में दो तीन चाहिए होता है क्योंकि यू नो क्रीम आ, मतलब कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद मैं ये यूज करती हूँ इसके साथ मेरा ना और एक फिटमी का है ये वाला तो ये वाला भी मैं लेती हूँ पर जो मेरा जो फेस का कलर है उसके साथ ये आ, मैच नहीं करता है ज़्यादा तो अगर मैं ये यूज करती हूँ तो इसके साथ में थोड़ा सा पाउडर यूज करना होता है तो ये वाला एक फाउंडेशन है फिटमी का तो ये दो चीज़ है साथ में बहुत ज्यादा लिप जो है मेड लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा ये सब मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है और अगर आपने मेरा कोई भी शॉर्ट्स वगैरह वीडियो देखा है तो वो सारा वीडियो में मैंने ये दिखाया है ठीक है तो ये चीज़ है और साथ में ये मैंने ब्यूटी प्लैंड भी आ, आ, वीडियोस के लिए ही परचेज किया था वैसे मैं रेगुलर मेकअप में मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ मैं हाथ से ही काम चला लेती हूँ तो ये एक था जो मैंने परचेज किया है आ, ये मैंने परचेज किया था ये भी मैंने आ, ये काउंटर है मेरा जो है ना डार्क सर्कल वगैरह बीच बीच में आ जाता है तो मेकअप जो होता है वो इतना अच्छा सेट नहीं हो पाता है इस्पेशली जो जो आइस के जो एरिया है इस जगह पे तो इसलिए मैंने ये ना सेवन सीज का ये फुल मेड स्टूडियो काउंटर मैंने लिया था तो ये एक है काउंटर में मेरा सिर्फ एक ही है ज़्यादा नहीं है पर ना इसका जो मैंने जब परचेज़ किया था ना मुझे लगा था ये सही है पर यह कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा शायद मुझे थोड़ा सा लाइट ब्राउन लेना था पर ये ज्यादा व्हाइट हो गया तो कोई बात नहीं अगर मैं आगे परचेस करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और स्विस ब्यूटी का ये वाला जो है पैलेट पले, है ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का है तो ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया मेरा जो मेकअप का जो जितना भी सामान है उसमें से सबसे फेवरेट वाला यही है जो मैं हमेशा थोड़ा सा यूज करती रहती हूँ इससे साथ में मैंने ये आई कुछ परचेज किया था कुछ कुछ वीडियोस में आई के लिए तो उसमें से ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ ये तो पैकेजिंग है इसको मैंने अभी तक भी खोला नहीं है तो फिलहाल तो मैं ये यूज कर रही हूँ जब ये खराब हो जाएगा तो ये जरूर यूज़ करूँगी मैं और मेरे पास क्या है और एक मेड uh, लिपस्टिक है जो ये डार्क रेड में आता है ठीक है ये एक है मैंने ये भी जब से मैंने यूट्यूब करना शुरू किया है तब से मैंने ये परचेज किया है और साथ में, में मेरा आई है कुछ इस तरह का जो है ना फैब्रिक है जब मैं आ, कुछ मेकअप में मैं यूज करती हूँ और को, कोई शादी वादी में जाने से ना मैं तभी भी यूज करती हूँ जो बिंदी होता है ना उसके साइड साइड में यूज करने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये बचपन से मैं यूज करती हूँ फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वाला एक फिलहाल तो मेरे पास वाइट वाला है दो तीन कलर का था वो मैंने घर पर ही छोड़ के आया है और बस ये आईलिशेस लगा जो है सेट करने के लिए ये ग्लू है मेरे पास फिलहाल तो इतना ही है मेरे पास और अब देखिए ये मेरे बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है ये ये कवर है बस और कुछ भी नहीं है तो फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर लिया है मैंने जो भी मेरे पास था यही था मेरे पास, मेरे पास ज्यादा मेकअप का कोई भी सामान नहीं है मेरा और कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप बॉक्स नहीं है हाँ जो मैं रेगुलर जो डेली लाइफ में जो कुछ कुछ यूज करती हूँ वो पहले से था इसलिए मैंने आपके साथ फिलहाल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो पहले से था तो यही चीज है मेरे पास और तो कुछ नहीं है तो फाइनली ये अगर मैं कुछ भी परचेज करती हूँ ना तो मुझे फिर थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये इतना मेकअप से मेकअप आइटम से ये भर चुका है तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है अगर मुझे फ्यूचर में और भी मेकअप कुछ खरीद करना पड़े तो मुझे और एक बॉक्स इस तरह का बड़ा वाला खरीद करना पड़ेगा तो दोस्तों यही था आज आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत सिंपल सा वीडियो था आ, अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करके छोटा मोटा कोई भी चीज़ जो होता है ना आ, अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे आइडियाज़ मिलता है कि ना आ, क्या क्या चीज़ एक्चुअली आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और मुझे वैसे कॉमेंट आया था तो मैंने सोचा है कि बेस ऑन देट कॉमेंट कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो ना जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल में आपको हर टाइप की वीडियो देखने को मिलेगा तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन गाइस स्टे हेल्दी गॉड ब्लेस यू बाय बाय